हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग लेवल अप करने की बात करने वाले हैं। लेवल 30 बोल रहा हूँ, लेवल 1 से लेवल 40 कैसे जाना है वो बताऊंगा मैं आज। सो गाइस, मेरा खुद का लेवल 33 है और आप सोचेंगे मैं कैसे बता रहा हूँ लेवल 40 पे जाने का। सो गाइस, आज मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, कितनी एक्सपी लगेगी, कितनी एक्सपी चाहिए और एक्सपी कहाँ से मिलेगी, उसको मैं आपको बताऊँगा। और गाइस, मैं आपको एक बात और बताऊँगा कि लेवल 40 पे जाना इतना मुश्किल नहीं है। सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर के आसपास पॉकी स्टॉप नहीं है, जिम नहीं है। ये हम लोग अब शुरू करते हैं कि कितना आपको एक्सपी चाहिए, कितना लेवल चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल। सो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे फ्रेंड है 150। थोड़ा नेट स्लो चल जाता है मेरा, तो मेरे फ्रेंड है 150 और मेरा लेवल है 33। सो गाइज, मैंने जो अपना लेवल ही 33 लाया है, बहुत कम टाइम पे लाया है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभी भी लेवल 31 पे बैठा है, तो वो ये वीडियो देखेगा जरूर, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेगा। हर लेवल पे एक्सपी बहुत ज़्यादा डबल हो रही है, जिसको लेना बहुत मुश्किल है। सो गाइज, मैं आज आपको एक पैटर्न बताऊंगा, उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई, पक्का आपका लेवल अप हो जाएगा। सो गाइज, मैं आज आपको, मैंने कुछ मटेरियल तैयार कर रखा है, मैं उस पर ले जा रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पर ये एक चार्ट है जो आप देख रहे हैं, तो ये लेवल 32 से लेके लेवल 42 तक का इसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली लाइन देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कौन से लेवल में कितनी आप एक्सपी ले लेंगे तब आप उसके नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएंगे। सपोज़ आप लेवल 33 में हैं, तो लेवल 33 में आने के लिए आपको लगा है 7,50,000 और लेवल 33 से लेवल 34 में आने में लग रहा है आपको 10 लाख। और इस साइड ये लिखा है कि लेवल 1 से लेवल 32 तक आने में आपको लगा है 30 लाख। सो गाइज, अगर देखा जाए ये कैलकुलेशन, तो मैं लेवल 33 पे हूँ, तो मैं ये गेम 50% भी नहीं खेला है, क्योंकि जब आप लेवल 40 पे जाएंगे तो लेवल 40 ही अकेला 50 लाख मांग रहा है। गाइस, 50 लाख XP लेवल 40 अकेले मांग रहा है और पूरा लेवल 40 में आने के लिए आपको लग रहा है 200 लाख, 200 लाख XP लग रही है भाई। सो गाइस, लेवल 37 पे आप देखेंगे, यहाँ से आपका गेम 50% लगभग शुरू होता है। उसके बाद भाई 120 लाख, 150 लाख, 200 लाख। सो गाइज, ये बहुत बड़ी जर्नी है और इसको करना है और इजीली करेंगे। सो गाइज, आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा, आप डेली मिनिमम 1 लाख XP ले सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करें, 1 लाख XP डेली। सो गाइज, अभी चलते हैं, ट्रिक क्या है, टिप क्या है। ये चार्ट देख के आप सब समझ चुके होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। सो गाइज, ये है फ्रेंडशिप वाला, गुड फ्रेंड, ग्रेट फ्रेंड, अल्ट्रा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। सो गाइज, गुड फ्रेंड बनने में एक दिन लगता है, एक दिन मतलब ये 1 लिखा है, ये डे नहीं है वैसे, पर मैं डे काउंट कर रहा हूँ क्योंकि आप एक दिन में एक बार लेवल अप कर सकते हैं फ्रेंडशिप का। जैसे ही किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई, आपने उसको एक गिफ्ट भेजा या उसने आपको गिफ्ट भेजा, और जब वो गिफ्ट आप खोलते हैं तो एक हर्ट मिलेगा आपको, या फिर वो जब गिफ्ट खोलेगा तो एक हर्ट मिलेगा। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही लेवल अप होता है, चाहे फिर आप कितनी बार भी बैटल लड़ लें, कितनी बार भी रेड पर चले जाएं। सो गाइज, ये डैमेज लिखा है, इसका भी हम लोग को इतना यूज़ नहीं है, तो गुड फ्रेंड में देता है 3,000। तो कैलकुलेशन आपको बताता हूँ मैं, आप ये वीडियो ख़त्म होते ही मैं इस वीडियो में आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आपको फ्रेंड मिल जाएंगे, फ्रेंड कैसे बनाना है उस वीडियो में सब कुछ बता रखा है मैंने, उस वीडियो को देख लेना और वहाँ से आप कर लेना कैसे आपको फ्रेंड बनाने हैं। सो गाइज, करना क्या है आज आपको, सबसे पहले आपको आज 30 फ्रेंड बनाने हैं। 30 फ्रेंड बनाओ, फटाफट बनाओ, 30 लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, और जब आप वो करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट आएंगी भी और आप खुद भी भेज देना। 30 फ्रेंड बनाते ही आप उनको गिफ्ट भेजना शुरू कर दें,
उन 30 लोगों को गिफ्ट भेजें और वेट करें। आप किसी का गिफ्ट खोलो मत, आप उनके गिफ्ट का खुलने का वेट करें। जैसे ही मतलब शाम हो जाए या फिर 12:30 बजे से पहले आपको वो 30 लोगों से गिफ्ट से हर्ट चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर वो 30 लोग गिफ्ट खोल लेते हैं, जो कि खोलेंगे या नहीं खोलेंगे तो आप खोल देना, रात तक वेट कर लेना, तो आपको मिलेगी हर फ्रेंड से 3000 XP। सो गाइज मैं आपको थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। सो गाइज 30 लोगों को आपने गिफ्ट भेजा और सबसे आपको मिल रहे हैं 30,000, तो आपको तुरंत मिल रहे हैं 90 लाख। सो गाइज जब आप 30 लोगों को गिफ्ट भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हर गिफ्ट पे 200 XP मिलती है, तो 200 × 30 हो गया आपका 6,000। तो आपको आज के आज 96,000 XP मिल रही है। सो गाइज 96,000 जो XP आपको मिल रही है वो सिर्फ इस मेथड से मिल रही है। उसके बाद आपको बाकी जो 4000 XP है वो कैसे मिलेगी, वो आपको मिलेगी फर्स्ट पोकेमोन पकड़ने में। जब आप पहला पोकेमोन पकड़ेंगे तब आपको मिलेगी 2000 या 2100 XP मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आज कोई ना कोई पोकेमोन आपको इवॉल्व करना है, उसके बाद आज आप कुछ ना कुछ पोकेमोन जरूर पकड़ेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करेंगे, तो वो मिला के आपको आज मिनिमम 100,000 XP मिल जाएगी। सो गाइज ये प्रोसेस आपको 7 डे करना है, तो आप पूरे वीक 1 लाख XP ले रहे हैं, 1 लाख XP पूरे वीक ले रहे हैं इस प्रोसेस से। सो गाइज मैंने आपको बोला कि आपको गिफ्ट भेजना है, खोलना नहीं है। सो यहाँ पर एक लिमिट है कि आपके जो फ्रेंड हैं वो 200 बन सकते हैं। जिस दिन आपके 200 हो जाएं, तो जो सबसे नीचे वाला लेवल हो वहाँ के फ्रेंड आप अनफ्रेंड कर सकते हैं। सो गाइज गिफ्ट खोलना नहीं है मैंने ये बोला है, तो आपको गिफ्ट खोलने किसके हैं। सो गाइज अभी जो इवेंट चल रहा है, तो इस इवेंट में आपको ये है कि आपका जो बडी है वो आपको गिफ्ट लेके आ रहा है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। आपका बडी आपको गिफ्ट ला के दे रहा है, जो कि हर थोड़ी देर में ला के दे रहा है, दिन भर में आपको 30-40 गिफ्ट दे ही दे रहा है, जितने भी दे रहा है आपको यूज़ करना है। उसके अलावा करना क्या है, जैसे कि आज आपने कर लिया, कल आपको क्या करना है, कल आपको उनकी गिफ्ट खोल लें, कल आपको 30 गिफ्ट खोल लें। तो 30 गिफ्ट खोलने के लिए आपके आइटम्स में स्पेस भी होना चाहिए, तो वो स्पेस कैसे आएगा वो आपको मैनेज करना है। आपको जैसे आपके लोगों के घर के पास जिम नहीं है और ना ही पॉकी स्टॉप है, तो गाइज आप कहीं बैटल तो लड़ नहीं रहे, तो आपको जैसे कि रिवाइव हो गया, पोशंस हो गए, तो इनका आप यूज़ कर भी नहीं रहे, तो आप इनको रखो भी मत। आप 10 रखिए मैक्स रिवाइवल, या 10 रखिए रिवाइवल और 10 रख लीजिए हाइपर पोशन, बस और कुछ मत रखिए, बाकी सब हटाइए। बेरीज रखिए क्योंकि आपको बड़ी खिलानी होती होंगी, और मेरे ख्याल से आपको पॉकी बॉल्स पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके घर के आसपास जो पॉकी स्टॉप है ही नहीं, तो आप उसका करेंगे क्या। सो गाइज ये आपका हो गया ग्रेट फ्रेंड का। जब आपका एक वीक होगा, ये प्रोसेस चल रहा है अभी, एक वीक तक चल रहा है, आप गिफ्ट अगले दिन खोल रहे हैं और डेली आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं। सो गाइज एक लेयर बनती जाएगी, वो लेयर क्या होगी, वहाँ पर आपका फ़िल्टर का ऑप्शन होगा कि आपको फ़िल्टर करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए, तो मैं फ्रेंड्स में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नेम, निकनेम, फ्रेंडशिप लेवल, गिफ्ट। तो फ्रेंडशिप लेवल जब आप क्लिक करेंगे, ये तो मैंने उल्टा कर दिया, तो इसको हम सीधा करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाले फ्रेंड हैं ये वो फ्रेंड हैं जिनके हर्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे तो उनके हर्ट्स कम होते रहेंगे। तो जो ऊपर वाले हैं ना उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनके गिफ्ट्स ज़्यादा खोलने और इनको भेजने हैं। सो गाइस कुछ टाइम के बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जो 30-30 का सिस्टम है उसे कम करना पड़ेगा, वो बैलेंस आपको खुद करना है, आपको खुद अपना दिमाग लगाना है कि कैसे किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। क्योंकि जब एक वीक होगा और आपने उस चीज़ में बैलेंस नहीं किया, तो आपको ये 10,000 आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस 30 लोगों से आपको 10 दिन तक 96 मिलता रहा,
तो जब एक वीक हो जाएगा तो आपको 30 दिन 30 लोगों से शायद से 10 लाख ना मिले एक दिन में, पर आपको 10 लोगों से मिल सकता है एक दिन में। तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको सब कुछ अरेंज करना है सिस्टमेटिक वे में। आपको पहले चेक करना है कि हर्ट कंप्लीट होने के वो क्या हैं, और जैसे ही हर्ट कंप्लीट होने वाला हो आप पहले किसी एक का खोल के देखिए सबके हर्ट, मतलब जब आप सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं सबके हर्ट बराबर बराबर ऐसे दिख रहे होंगे, तो किसी एक का खोलिए। अगर उसकी खोलने पे आपको 10,000 XP मिल रही है तो आप लकी एग का यूज़ करें, और बाकी जितने भी हैं जिनका लेवल बिल्कुल बराबर है उनका आप खोल दीजिए। भाई कमाल हो जाएगा, इतनी XP मिल जाएगी ना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जब आपका 30 दिन हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा इस प्रोसेस में, तो 10 नहीं 5 लोग ऐसे होंगे जो कि आपको 50,000 XP देंगे। सो गाइज ये 5 लोग आपको 50,000 XP दे रहे हैं, पर इसका मतलब जो बाकी 5 लोग हैं वो उसके अगले दिन देंगे, उसके अगले दिन बाकी 5 लोग देंगे। तो मतलब आपका सिस्टम बनता जाएगा, आपको डेली लाखों XP मिलेगी। और जब आपके 90 दिन मतलब 3 महीने हो जाएंगे, सो गाइज अब अल्टीमेटली आपका लेवल 37 38 पहुँच चुका होगा, और तब आप ये लकी के साथ जब ये बहुत सारे गिफ्ट खोलेंगे तो आपको ये 1 लाख नहीं 2 2 लाख एक आदमी से मिल रहा होगा। सो गाइज ये एक दिन नहीं मिलेगा, डेली डेली मिलेगा फिर, क्योंकि आपने एक सिस्टमेटिक वे में वो बना दिया है, क्या बोलते हैं, पैटर्न बना दिया है। सो गाइज ये हो गया फ्रेंडशिप लेवल के ऊपर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था इस वीडियो का। इसके बाद वाला है वो बोनस है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपको आपके पास मिनिमम एक इनक्यूबेटर ज़रूर होगा, क्योंकि आपके घर के पास पोकी स्टॉप नहीं है और ना ही कोई जिम है, तो आपके पास कॉइन्स भी नहीं होंगे। कॉइन्स नहीं है तो आप कोई भी इनक्यूबेटर नहीं खरीद सकते, तो आपके पास एक इन्फिनाइट वाला होगा, और बाकी आपको जो मिलेंगे इनक्यूबेटर वो आपको लेवल अप करने पे मिलते रहेंगे। हर लेवल पे नहीं, किसी किसी लेवल पे आपको इनक्यूबेटर मिलेंगे, रिसर्च पे इनक्यूबेटर मिलेंगे, वो सब मिलते रहेंगे आपको। सो गाइज इस गेम का मेन मोटिव तो अपना यही है कि 40 लेवल फटाफट पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद अपने घर के आसपास पोकी स्टॉप बनाए, और उससे पहले जैसे लॉकडाउन भी खुल जाएगा तो दिक्कत की बात नहीं है। सो आपको हैच करना है एग, तो ये 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो कोई डिफरेंस नहीं है, 200 XP दे रहा है एक, ठीक है। सो गाइज ये एक बोनस है, मतलब 200 XP आपको मिल रही है, या तो आप 2 किलोमीटर का अंडा फोड़ लें या फिर 2 पोकेमोन पकड़ लें, एक ही बात है। सो गाइज 2 किलोमीटर में कोई अगर नया पोकेमोन आता है, नया पोकी डेक्स में रजिस्टर होता है, तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा मिलेगा आपको। उसके बाद आपको इवॉल्व करना है पोकेमोन डेली, एक पोकेमोन डेली आप इवॉल्व करें, कोशिश करें आपको इवॉल्व करने की। और अगर नहीं करना है तो आप वेट करें एक अच्छे दिन का, जिस दिन आप अपने फ्रेंडशिप लेवल वाला खोलेंगे उस दिन आप लकी एक फोड़िए और सारे गिफ्ट भी कलेक्ट करिए, और उसके बाद जब टाइम बचेगा उसमें आप पोकेमोन इवॉल्व करें। सो गाइज़ मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी सफिशेंट है, इनफ है आप लोगों को लेवल अप करने के लिए, और ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिन लोगों के घर के आसपास पोकी स्टॉप और जिम नहीं है, क्योंकि मेरी भी यही कंडीशन है गाइज, मेरे घर के आसपास पोकी स्टॉप है पर मैं जा नहीं सकता वहाँ पर। तो बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे जिनके घर के आसपास जिम और पोकी स्टॉप नहीं होंगे। सो गाइज़ मैंने लेवल 33 सिर्फ और सिर्फ 4 पोकी स्टॉप की हेल्प से किए, और एक जिम जिस जिम का मैं कोई यूज़ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि गाइज ना तो मैं बैटल लड़ सकता हूँ, बैटल लड़ता हूँ जो कि मतलब 1 लेवल या 2 लेवल तक के पोकेमोन से मैं लड़ सकता हूँ, 3 4 से तो भैया हिम्मत नहीं है हमारी, 2 लेवल भी कुछ ऐसे आते हैं भैया जो नहीं मार पाता मैं उनको। सो गाइज मेरे यहाँ पर कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बैटल लड़के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मेरा मेन है वहाँ पोकेमोन रखना, वहाँ से कॉइन लेना बस, उस कॉइन से मैं ये करता हूँ कि अपने स्टोरेज बढ़ा सकता हूँ और कुछ नहीं। सो गाइज ये ज़रूर ट्राई कीजिए, और ये अगर आपको हेल्पफुल लगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, भाई बहुत ज़्यादा जरूरत है सब्सक्रिप्शंस की। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज़।